आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 16 और देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। अगर आप देखें इसमें सही से तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसमें बेटा, यूज होगी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली। ठीक है, क्या होती है वो आइडेंटिटी लिख लेते हैं जरा। यूजिंग लिखोगे आप, यूजिंग कौन सी वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सर एक्स वाई नहीं करना, और एक्स वाई करना चाहते हो, ये लो जी एक्स वाई कर लो। पर वही तो सर, वही तो मेन है। कोई बात नहीं, वही मेन है, ये लो जी अभी वैसे लिख दिया मैंने, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ जी देखो जरा, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स जेड या जेड एक्स जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? अब इसी चीज को बेटा मैं इससे कंपेयर करूंगा, इधर देख लो शांत, इधर देखो जरा, इस चीज को मैं इससे कंपेयर करूंगा। तो यहां पे क्या है, फोर एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है बेटा वाई स्क्वायर, यहां पर क्या है बेटा जेड का स्क्वायर, फिर बेटा माइनस आ गया, क्या आ गया बेटा माइनस फोर एक्स वाई, फिर आ गया माइनस वाई जेड, फिर आ गया प्लस का फोर एक्स जेड। बेटा यहां पर वाई आया तब भी नेगेटिव, यहां पर वाई आया तब भी नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, जहां पे देखो y यहां पर भी आया, यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर आया y तो भी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि y नेगेटिव है। समझ में आ गई बात? कहां पे, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से नहीं हुआ। आप जरा सुनो, लेकिन आइडेंटिटी में तो बेटा हर जगह प्लस 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 आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे बेटा, देखो इधर इसको ऐसे लिखोगे, इसको लिखोगे टू एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे होल स्क्वायर होना चाहिए, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस यहां पर होना चाहिए बेटा टू ए, क्या होना चाहिए टू एक्स, और बेटा वाई क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वाई अगर पॉजिटिव हो गया तो बेटा ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर रुक जाओ आ रहा हूं। तो यहां से बेटा हमें y की वैल्यू क्या पता चली, माइनस वाई, इसीलिए यहां पर भी आप क्या लगाएंगे, माइनस वाई। यहां पर प्लस इसलिए आया क्योंकि किसी भी नेगेटिव टर्म का जब आप स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है आंसर। ठीक है, फिर क्या आ जाइए इस वाली पे, फिर प्लस होना चाहिए प्लस टू वाई, वाई है बेटा माइनस का, इसीलिए प्लस माइनस की वजह से क्या आ गया, माइनस टू वाई और जेड प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा टू ए की वैल्यू क्या है, 2x और इंटू जेड। बताइए कोई दिक्कत? अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करें तो बेटा ये किसके इक्वल आना चाहिए, हाँ जी ये आना चाहिए बेटा a प्लस बी। अब प्लस तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे क्या है माइनस, तो a माइनस मतलब 2x माइनस वाई और प्लस का z का होल स्क्वायर। अगर सब कुछ प्लस होता तो x x प्लस वाई प्लस जेड होता ना, लेकिन x की जगह पर यहां पर क्या है जरा देख लीजिए, 2x है, तो यहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा 2x, y के स्क्वायर की जगह पर क्या है माइनस वाई, तो क्या पुट करना पड़ेगा माइनस वाई, और z तो सिंपल ही है। लेकिन बेटा यहां पे आपका आंसर खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो इसको आप दो बार लिखेंगे, तो इसका मतलब यह है कि फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z रेस टू पावर 2 माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस फोर एक्स जेड इज इक्वल टू वॉट, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, क्योंकि बेटा स्क्वायर है तो इसको मैं क्या करूंगा दो बार लिखूंगा, क्योंकि फैक्टर्स निकालने हैं ना। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर किसका यूज हुआ, आइडेंटिटीज का यूज हुआ जो हमने सीखी थी। क्लियर हो गई बात? प्लीज नोट इट डाउन।